ठीक है, लेकिन हम सोच रहे तीज कैसन होत, हम देखित ना तो हाँ आपन, मतलब आपन आपन होत ना, हाँ तो बात सही। बीन दे था एक आख हफ्ता चले, ओकरे बाद जवन हो गई, फिर बीन इतना घून पड़ी गया बाटे। ये तो सर्वर आज बीन दे था कि कहे 3-4 दिन चले के ना, तबो पतन कहाँ से घुनो लिया जाती है, केकर फोन आती है। हेलो, क्या हो यार, तुम्हार आदत ना खराब है भैया। सवेरे से काम करत रहे और रोज के खाली मिला तब फोन लगाए, तब उठोबे ना आई की है। अच्छा, तो ड्यूटी गया घरे कब आवत है? अरे सबकर मन से दू सावन में घरे आवत यहाँ, हम तो सोचे अबा चलबा कतो दर्शन वर्शन करावा, तू तो गजब बाया यार। आए तो का भा दो नाई आई बा, तोरे घर थोड़ू ना आई। अरे चोरी से चला आया, इधर ही हमारे घर से लिए चला ना। और का जब यह हो ये कौन लाज बहु जोर, एक दिन सब जनबे कि अरे नक मेहरारू ले घुमावत रहे, तो मेहरारू ना घुमाओ का दूसरे घुमाओ का। बहुत मठोर मठोर बोला था तू। सही कहते है, चलो ठीक बा, भाई बताओ पहले कही आऊगा अब छुट्टी ना मिले, छुट्टी कमाई तो जिंदगी भर बाटे, ये उम्र समय रात रज के घूमे टारे की यार तू। सही में कहा ना करता ना, गुस्से लागत ही हमरे। अच्छा वहां तो हम बोले कला दे रहे हैं ना, बोल बोल सबके पिघलाई देते हैं। अच्छा मैं किसका फोन आई थी विमान ही फोन आई बा। का? अच्छा हाँ बतला लो तो वहां अब हमसे मिल लो। और ठीक बा, के रहा के माई रही यार। ये सोची थी यार कि अपने माई बाप का कल्ले बिटिया भाई, और जोने तोहरे घरे चली जाए तो हमारे माई के बनाए किया है। अरे तो हमारे माई कितना नाई बस तुहन नवासा दे जही अब तू ये खूटा गाड़ कर रहा बा। आया खूटा गाड़ी ससुरारी में ना जितने कम रहा बा उतने बढ़िया इज्जत होता, यो समझा था। अगर ये रोज आई के रहा लगवा ना कोनो इज्जत ना आई बिया। अपने बहनों एक दे देता कहीं ना भाई, तुम्हारे घर आ रहा है तू चला भाई ये रहा कहीं के भाई फटे लगा। पहले अपने बहनी दा, फिर ओकरे बाद तू दावा रखा ना तो मिले, फिर बताया जुबान ना चलावत है। सही बोला थे। अच्छा चलो ठीक बना, नहाई खाई ला ओकरे बाद भाई करत है फोन, रच के चावल बीने थे बीन लेते ओकरे बाद चलते घरे में, तब भाई फोन करी थे। ठीक ठीक बा रख। इनका मठोर मठोर बोले कई मिलावे कई ना, बहुत निक निक मिलावत हैं। अब ना सोचते हैं जवान हो गई कि क्यों बा कि ना बाटे। अच्छा पति मिला है, जैसन है ना अच्छा है, भगवान कर रहे हैं ऐसे हमारे दोनों जने जोड़ी बना रहा है हमेशा। चाहे माई के था भी ना आई रही, हमें लागत कोनो काम रहा का, पहले माई लगा साई तो ओकरे बाद चलो बीनी घुनवा कुचड़ जाती है। बताए देखा उनके उनके बिटिया तीज आई गया, अब हमारे अकेले हैं इन्ना तक तीज आए कि नहीं आए हैं, बहुत हमें बहुत तकलीफ होता। कहें तीज आवे को तो सने जरूर आई जाते ही कि हम तीज लेके आओ, कहे तीजे में कम से कम 5 जने आवत हैं, कम से कम ओके ना तो 10 जने 15 जने 20 जने आवत हैं, अब हमारे तक फोन ना ही आएगा। अच्छे से पूछी है अगोब लगे पता लगाई ले क्या है। हे माई हाँ कुछ कहत रहे का तब ही कहत रहे के कब मामा फोन वा रहा ना। हाँ माई की ये रहन घर हैं ड्यूटी ने राति का सोये रहन काम करे रहन 24 घंटा काम करे ना, तब वही वही कहीं की है ना अभी ना खा अच्छा जात रहे। हाँ अच्छा वो अपने घर कोई बताए ना है कि हाँ कुछ का सर माई कुछ नहीं बताए मतलब जैसे तिजोरी नाम ना ले रहा है ना। तीज ना ही माई कुल थमसी ना के है लिखा था वो उनके हमारे जेठाने के लिए बिटिया का तीज आ चुका बा कही है। तीज जा तो का हो था ए माई हम ना जानी बताऊ हमका का हुआ था तीज। तीजे में यह साड़ी रहा था, सरहो सिंगार रहा था, फल फूल रहा था, साड़ी रहा था, दो थे तीन थे सूट रहा था,
यह कुलावा था। अच्छा बही एक हमरे समझ में आई रे माई। हाँ। एक दिन हमारे बूढ़ा फोन करे रही जब हम खेतों में बतियात रहे जौन कहू कैसी बतियात हूँ ना। हाँ। तब हमसे कहात रहीन कि अरे भैया से कह दे तू कि हमरे लगा पैसा भेज देते हैं मतलब अपने बेटवा को उनके तोरे मतलब हमरे उनके माई हाउ तो कहा था का तीज एक दिन हमारे बूढ़ा फोन करे रही जौन खेतवा में बतियात रहे ना। हाँ। तब कहात रहीन कि अरे भैया से कह दे तू सावन के महीना चला चलत बाटे और चला जाऊते घरे और बिट्टी के यहाँ से सब तीज लेके आई मतलब उनके बिटिया घर से तीज आए का। हाँ हाँ तो उनके बिटिया के साथ तोहक दे तोहक लेके आई है ना। लेकिन माई अब ही हमरे समझ में आवा था अगर वो उनके बिटिया के यहाँ से तीज आवा था तो उन्हों के ये तीज हम कभी लेके आवे चाहे। हाँ। तब ऐसे कहे हमका ना कहे न ले तू अकेले बाटू है काहे न लेके आई है तीज न लेके आई हमारे बेटे न हो जाए। हम काऊ कही माई ना जानित रे लेकिन हम पूछा हमका कुछ सामान वामान आए ना माई। अरे कुल हर चीज में काजू है बादाम है छुआरा मुनक्का है पान ई आए एक बाद पान से फल आए पांच किस्म का और सोरह सिंगार है कहे सिंगार में देखे तो बहुत बिजी रहा तब तो माई सब वही हम दुलैनिंग नहीं सजम न रे खूब मस्त के। हाँ तिजिया के ऐसे सज जाते हैं तो का उन सब लेके ही हमका वही बोले ही क्या ना ही बोले ही है ना घर में जाए तिजिया एक दिन खूब पहिरबू ओढ़बू खूब तैयार तो माई हम बहुत निक लागब रे। हाँ खूब निक निक साड़ी जाम ना साड़ी आए सूट आए कुल चीज ये आए तो आ बिटिया पहले सजत रही और अब तो शादी होई गई जब सामान आए तो पूरा हम पहन सजे मस्त के हमें इतना मठोर मठोर तब ए माई पहले ही बताओ कहीं कोन तब बतावत ना है हम से आए पूछ लो हम क्यों उसना पूछब हम अपने नहीं पूछ ले। हाँ नहीं पूछ लो मैं पूछ लूंगा तो मैं तीज चाहे है माई चल तो उसी पास मत हम ना अभी हम फोन करत है फिर उनसे कहे भाई घर में चलते करत है ना। अच्छा अच्छा जा कर बाप रे बाप रे इतना खुश हो गया है इन सिंगारे बदे चल अच्छी बात है खुश हो चाहे है बचपने के बाटी आज नवा इतना ही नहीं है चलत यही अब फोन लगाई ये बतियाई हमरो के यहाँ से तीज आए हमरे ससुराल से तीज आए और देखा। अच्छा तभी वो दिन बड़की माई बिटियो कहत रही कि रे हमरे के यहाँ परसों तीज आए लेकिन हम समझे ना पावत रहे तीज के था कि बढ़िया करे माई बताए थे मैयो हमार पगलेट बाटे पहले बताए होते एनसी करे हुए थे हम फोन पे अभी तो कटबे की है ना फिर ना हाथ खात वही कहीं घुच घुचाए दिए खुशी वाली बात पहले। अब पहले लगा ली फोन ओकरे बाद टिन 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 घंटी जाए ओकरे बाद हेलो बाय हाय होए जात तपा घंटी हेलो अभी ना पूछबा कहीं के पहले चिल्लाई लगा दिया तू एक ही बात बताई खुशखबरी का। ए सुना था अच्छे सुना हमारे बात ठीक बा यार तू हमका कुछ बताया ना है। अरे तीज आवे वाला बा चार पांच दिन बाटे हमरे हाँ हमरे बड़की माई बिटिया के तीज आई है और बगले पड़ोसन है ना और मतलब बहन लागत थी सबके आई है तीज उनके ससुराल से आई है और तहार माई बाबू कहिए तीजिया लेके आई हमका का कहा हट जा तू हमसे बात ना करा ठीक बा यहाँ काहे ना आए तीज ऐसे कैसे ना आए। अरे खर्चा लागत है बाप रे बाप तू मनई हा कहा हा दिखाएगा तुहार प्यार मोहब्बत। अरे यार तुहार मेहरारू है अपने मेहरारू खर्चा बिंडरा दिया तू हम कुछ ना जाने तीज आवे जाए बाप रे। अबे हमार माई सुने का कहे बतावा तू कहता तीज में खर्चा लागे तीज ना जाए यार कुछ सोचा करा हमार माई बाप हमरे लिए कितना खेत कियारी कुल बेच के ब्याह में लगाए दे हैं हमरे खुशी के लिए अब हमारे हम हमरे खुशी में तू सब इतना बड़ा जायदा हम कुछ बोलब ना कहीं तोहरे माई के मन ना भी देगी। अच्छा ये बतावा तोहरे माई के मन ना भी देगी ना खर्चा लागत यहाँ तो का तू सब खर्चा लगा के लेके बात का यहाँ से हमारे माई बाबू न दे क्या हमारे माई बाबू खर्चा लागे कि ना लागे। अरे तो जितना तुहार से दिल बना उसी बड़ा हमारे माई बाबू के दिल बा समझा अभी तू सब हमारे माई बाप के परखा कहा। वो दिन तुहार माई फोन करीन कि कहीं करे बिट्टी के नैयरे से बिट्टी के ससुरे से तीज आए और भैया बुलाई ले तू जो है सावन चला था दर्शन कर आऊ और यही लगे चला यही बिट्टी के यहाँ तीज आवा था के संहारे उम्हारे
देखा हम एक बात बताई, अगर तोहरे बहन के यहाँ से तीज आए तो हमारों के यहाँ से तीज आवे चाहे, और नहीं इतना हमका बहुत तकलीफ पा। काहे का हम अपने माई बाबू का अकेले बिटिया है और हम ना जाए तो हमारे वजह से हमारे माई बाबू दुखी हो। कोनो बात ना रहा तू सब न लिया होता हम कुछ कही इतना, लेकिन जानता आज के युग में क्यों क्यों बोल ओठ उठावे देरी ना लागत। हमरे रहने पड़ोसे बड़की माई की बिटिया है, चाची की लड़की है, सबके ससुराल से तीज आवता, और अगर हमरे के यहाँ से ना आए अब बताओ मान शादी नहीं नहीं बाबा, अब उन्हों से दोनों साल भर शादी होएगा भाई अपने नैहरे में आए सबके तीज आए। अपने माए बाबू समझावा हमका तीज आवे जाए यार, इना सोचा पहले हमरे शादी। अच्छा बताओ कौन सामान के कमी तू सब पाया शादी में, माई बाबू माँ गरीब है ना फिर भी सब दियन के ना दियन। ठीक है कोनो बात नहीं, किस्मत जरेला है रहा, माई बाबू अच्छा समझ भी गया कह दिन इतना घटिया इंसान का तंग खर्चा लागे। एका खर्चा लागे 15-20 हजार रुपया लागे और का लागे, एक बार हाँ करे होते लेके होते यहाँ से हम जो हुए माई बाबू से अपने दवाई दे उतना पैसा। माई सुने का वो कहे माल बेटे, हाँ माई कैसा का बा हमके रोवा था वह तो नहीं रोवत नहीं रे माई ही बैठी रहे का भा फोन लगाई रहो। हाँ फोन लगाए रहे माई। हाँ का भा आई है माई जानतो ओ का है ना उनके बड़के बाबू के तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब बाटे, और कहत रहन कि अगर हमार चलत तो हम अपने बहन के ससुरालो मना कर दी तीज लेके ना आवे, और काहे कहत रहन का भाई हम खुद ही आवत है। माई फोन करे रहन उनकर कि तत्काल में भैया टिकट पावा लेके चला आवा, उनकर बड़का बाबू जवान रहन अब तब भान, और कहते अगर हम तीज लेके आई और अबे ही उनके परिवार सोचे बड़के बाबू के हमरे देखा का तबीयत हमार का कंडीशन बा इनके से तीस सूझा बाटे है तो उनका तबीयत खराब बतावे क्या उनका सबका मऊ गई देखी आई हुई दे। अब माई हम गऊ ना पता अब मऊ ना बताए ना हम तो वही जाने हैं मतलब तीज ना आए तो है नहीं माई तीज ना आए, और का बताई उनके नंदी योग ना ससुर मना कर दी थी, लेकिन अब कहा था कि अब नई नई शादी बाबा भाई हम मना करी उन्हें कुछ और सोचे चला जाए दे नहीं आए कोनो दिक्कत हमें ना ही नहीं है, लेकिन माई ना हम खुद मंगा दे कुछ सामान तो है वो तो ठीक है, लेकिन हम सोच रहे तीज कैसन होत हम देखित ना तो आपन मतलब आपन हाँ। आपन होत ना। हाँ तो बात सही है हाँ। बाकी तो जितना तीज सामान लागत ना कुल मंगाई दे भाई है हाँ माई कुल देख लू है। ठीक है माई लेकिन माए हमका जाए पड़े रे कहा कहते हैं कि बड़का बाबू का पता बीच में टपा पुकब जाए तब अरे भाई ना बिगत तीज बीते हम कहीं ना जाए देवे ना माए देख एक और बहन होती ना तब तो का छोड़ के जाए तो अच्छा लागत, अगर हम चले जाए तोरे लगे के रहे तो बता दियो तो हम भी है ना कि है होई पहले तो हाँ रहा कि रहा पे माए हम ना जाए। हाँ तो जिन जाओ ना हम कहाँ जाए देते हैं उनका माई काले फोन करेंगे कादरन तो का बतावाइया ना रे कबे तो का टेंशन हो जाए, और तेज के नाम ले तब बतावे पड़ा उनका बतावे दे कह दो भाई हमार हमर माई बेराम बात है, लेकिन माई ससुराल है अगर ना जाब वो गांव देश हमका थूकई लगे तब का जाए तो ये मोबाइल है हुआ तब का जाए, लेकिन हमका तो जाए दे जब तक जब वो आई जब तक घरे रही तभी तक हमें रह दी ओकरे बाद बुलाई लेना माई। हाँ जान तू अपन ससुराल है अगर अगर हम ना गए देश दुनिया वो थूकई लगे ना तब वो मेरे ससुरों वाले कहीं अरे वही महतारी एक जोगवत रही तभी ना आई आई वैसे तो माई तोरे लगे रहा करब, लेकिन ऐसे मौके पे वही हमारे रहा जरूरी बात ना तही बताओ हमें जितना दिमाग बा में कुल सही हुआ लड़की पहले ससुरार हो तो बाद में माई के होते है। हाँ माई वही बात है तब पहले अपन ससुरार देख लेबो थाम लेबो ससुरार में खुशी मिल जाए तो उन माई के खुशी मिलते रहे। परिवार तो हमारे बहुत नीक है माई, हम तो सोची था जिंदगी में हमका कोनो संकट पड़ जाए कोनो दुख पड़ जाए लेकिन हम अपन परिवार छोड़म ना हम अपने परिवार के साथ कदम कदम मिलाई के हमेशा रहा ना माई। हाँ ये सही बात है, और अगर
एक नजर वही रहे तो एक नजर हमारे तोहरा ऊपर रहे, ऐसे जिन सोचो हमारे बिटिया हमका छटकाई देते। माँ थे हमें न रहे तब हमारे बम्बा पेट्रोल पर तो मैं संभाल रही है, बाकी तो है अपने सास ससुर के ध्यान रखे पड़ेगा। ठीक बो माई, अब चलत यही ओनो गंज सो और चल खेतवा में बजड़वा काट लिया भैंसिया कब खड़ी हम हसी भी रखे है भले करे फोन कहले पता चलिए ना बाद में वो हम सब इंतजार ही करते अरे हम तैयारी करे कितना हमका माना थे खाली हमका टेंशन हो जाई ना ते ना बता चलो माई बजवा काटा मावत है हां हां क्या चलत है माई ता गई हमरे ससुराल वाले तीज न लेके आई ही अब कैसे हम अपने महतारी से बताई कि हमरे ससुराल वाले तीज ना लेके आवे चाहती हैं खाली अपने महतारी के संतुष्टि के नाते हमका दोनों तरफ से झूठ बोले पड़ा है अब लेकिन तकलीफ अंदर तो बहुत पा पहला तीज रहा अब माई बाप हमारे लिए कास का ना ही कह दिए उनका से कास का ना ही दे दिए लेकिन यही है न इधर शिकायत कह सकी थी न उधर कह सकी था अगर जरा से शिकायत किया ना यही माई कर जो फट जाए कहीं देखा हम का से कहा कि हमारे बिटिया के संगे का होती है लेकिन ज्यादा अच्छा हो खराब हो ससुराल के बाद हम कौन बताए क्यों तकलीफ पहुंचाई।